कुछ कर रहा है, कब तक हम इसी तरह को करेंगे? तो क्या करें उसको? अच्छा, रोहित शर्मा और स्टार कुरबदीन नायब एक्टिंग, तो ये तो बहुत ही वायरल हो गया भाई, जो क्रिकेट रिलेटेड वीडियो है मेरे ख्याल से। तो इस पर वीडियो वॉच करें, वीडियो को वॉच करें, पर चैनल मॉडर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो पहले कह रहे हैं लाइव जरूर करें। अगर मैं सोशल सब फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो द इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट। अरे नूडल्स को कहते हैं हाका, ऑस्ट्रेलिया की मां का साकी नाका। अरे 19 नवंबर से भटक रही थी रूह, चल निकल मदरचोद कंगारू, नाचो मैच। पूरे मैच में अगर सिद्धू पाजी की कमेंट्री सुनेंगे तो भाई पागल तो हो ही जाएंगे ना भाई साहब, क्या ही मैच हुआ है। हमें लगा था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच क्रेजी हुआ है, पर बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान दो लेवल ऊपर ही हो गया। क्या नहीं हुआ भाई इस मैच में, इमोशंस, एक्टिंग, ड्रामा, बारिश, DRS में बाल बाल बचते हुए बांग्लादेश के आखिरी बैट्समैन। कल जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया हमें लगा फाइनली ये कंगारूज वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं, पर नहीं, अफगानिस्तान ने बैटिंग में केवल 115 रन बनाए जिससे कि तीनों सिनेरियो जिंदा हो गए वापस से। अगर अफगानिस्तान हारा और बांग्लादेश ने 12 पॉइंट ओवर्स के बाद अगर रन चेस किया तो फिर ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा, और अगर बांग्लादेश ने 12.1 ओवर्स के अंदर ही रन चेस कर लिया तो बांग्लादेश सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। इसका तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। थोड़ी देर के लिए गो टीमों में नहीं था, पूरे मैच के लिए गो टीमों में था। गुरबाज भाई ने जो पावर प्ले के बाद से रोना शुरू किया, मैच के एंड तक रुके ही नहीं भाई। मेरे भाइयों, जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा, इन नागिनों पर कभी भरोसा मत करना, दस्ते ही हैं। सेमीफाइनल की किट रेडी करके निकल ही रहे थे हम लोग, उतने में ये लोग हक दिए हमारे अरमानों पर। अगर तुमको लगता है ना कि अहमद शहजाद बेस्ट एक्टर है, अगर तुमको लगता है ना मोहम्मद रिजवान बेस्ट एक्टर है, sometimes crime, sometimes live acting. नवाजुद्दीन, अमिताभ, DiCaprio, इनकी सबकी एक्टिंग फीकी पड़ गई जब गुलबदीन भाई ने फील्ड में एक्टिंग कर दी। हुआ कुछ, अफगानिस्तान दो रनों से आगे चल रहा था अकॉर्डिंग टू DLS स्कोर, और फिर बारिश होने लगी तो इनके कोच ने बोला कि थोड़ा गेम को स्लो करो, हम लोग ऑलरेडी जीत रहे हैं। स्लिप में खड़े थे गुलबदीन भाई, भाई को खड़े खड़े बिना कुछ करे ही पैर में क्रैम्प आ गया, लेट गए भाई साहब। अच्छा बाल है, तू क्या बाल गया था भाई। ICC वालों ने मैच को बीच में रोक के पहले इनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया कि नहीं नहीं भाई तू ये ले ले, तू डिजर्व करता है। बाकी प्लेयर को IPL से ऑफर आते, इनको बॉलीवुड से ऑफर आने लग गए। दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, भाई साहब सब पागल हुए जा रही है कि मूवी करूंगी तो गुलाबू के साथ ही करूंगी। अरे वो थोड़ा सा हार्ट अटैक आ गया था हमारे पैर में, हाँ थोड़ी देर बाद ही वापस सही भी हो गया और हमने विकेट भी ले लिया, इसीलिए फैन हमें अंडरटेकर बुला रहे हैं कि मर के जिंदा हो गया। लिंटन दास तक मैच के बाद गुलबदीन की एक्टिंग करते हुए बता रहा था अफगानी प्लेयर को, ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद, अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। राशिद खान उस टाइम भी हंस रहा था ये देख के, और फिर पोस्ट इंटरव्यू में भी बोला गुलबदीन नायब को थोड़े क्रैम्प्स है, आई होप वो जल्दी ठीक हो जाए। सबसे मजे तब आए जब हमारे गुलाबू भाई भूल ही गए कि उनके पैर में क्रैम्प है और भागते भागते नवीन उमंग से आगे ही पहुंच गए रेस में। ये एक्टिंग वाला वीडियो बाय चांस तुमसे अगर मिस हो गया हो तो मैंने पूरा टेलीग्राम पे डाल रखा है, तना एक्सपेक्ट सर्च कर लेना या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए टेलीग्राम चैनल का, वहां से देख लेना, बड़े मजेदार है। वो बच्चा रोता है तो मेले में कैसे पापा उसको कंधे पे उठा के घूमने लगते हैं ताकि चुप हो जाए, इस मैच में बच्चा था गुरबाज भाई ने रो रो कर ऐसा माहौल बना दिया, बाद में पूरे टाइम कंधे पर ही ट्रेवल किया पूरे ग्राउंड में। अच्छा चलता हूँ, 19 नवंबर याद रखना। बाकी खुशी एक तरफ भाई, और ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप से बाहर कर देने की खुशी एक तरफ। बाय चांस अगर बांग्लादेश जीत जाती ये वाला मैच तो लिंटन दास को हर लैंग्वेज में गालियां पड़ती, क्योंकि भाई लास्ट तक आउट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमारी फटी पड़ी थी या तो बांग्लादेश 12 ओवर के पहले मैच जीत जाए या तो अफगानिस्तान जीत जाए कैसे भी मैच, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ना आ जाए बस। ओके अच्छा पहले आते हैं रोहित शर्मा की जो बैटिंग पे उन्होंने कमाल की बैटिंग की, ये वीडियो उस दिन हम लोग जीत गए थे ना, तो इसलिए हम लोग शॉर्ट करे अपने वीडियो बना रहे थे अफगानिस्तान वाले, अलग लेवल की मैचेस हुए थे उस दिन। तो शाम को जो है इंडिया का मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो कि गजब की पिटाई की इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की। सुबह जो है बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच हुआ, तो हम लोग वो मैच भी भूल ही गए, नाराज मत होना यार।
उसके बाद फिर जो बांग्लादेश का मैच हुआ उसमें बहुत ड्रामे हुए भाई, बारिश था, फिर मैच इधर उधर हो रहा था और उसके बाद होगा तो इस तरह हो जाएगा, लाइम लाइट जो है आया ना वो गुलबदीन भाई था, और ये लोग दो रन आगे हो जाते और बारिश की वजह से मैच रुक जाता था, बांग्लादेश जीत जाता है। और दूसरा ये है की इस चीज को जो है कुछ लोग अब कह रहे हैं की अफगानिस्तान चीट करके जीता है, अफगानिस्तान चीट करके सेमीफाइनल पे आया है, बस नहीं कुछ लोगों को भौंकने का जो है मौका मिल जाता है फिर वो शुरू हो जाते हैं, तो उन लोगों को मौका मिल गया तो यार चीट तो नहीं हुआ, लोगों को मौका मिलने दो भाई जो बोले, कुछ लोगों ने तो बिल्कुल सुपर एट में बिल्कुल वो क्वालीफाई ही नहीं किया, पहले ही राउंड में खत्म हो गए, पहले ही राउंड में चल बसे भाई पीछे चल बसे, कुछ लोग खत्म हो जाते हैं फिर वो चुप रहते हैं, लेकिन ये लोग चुप भी नहीं रहते, चुप नहीं रहते, एक सिवर के असली पे खुश हो रहे थे, बांग्लादेश सपोर्ट करने वाले फिर साउथ अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया को सबको सपोर्ट कर रहे थे, पाकिस्तान सेमीफाइनल आ गए खुश ये लोग हो रहे हैं और ट्रोल भी कर रहे हैं हमारी टीम को, तो ये कहां के हिसाब है भाई, शेर जो है आखिरी तक लड़ा है भाई, जैसे भी लड़ा हुआ लेकिन आखिरी तक लड़ा हुआ है, आप लोग तो बिल्कुल पहले ही राउंड में पीछे हो गए भाई, छुट्टी होगी आप लोगों की। बाकी यदि वीडियो अगर आपको पसंद आए प्लीज वॉच द मॉनिटर, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, लाइक जरूर करें, तुम तक सुनेंगे सपोर्ट मिल रहा है, सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।